हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अरुण कुमार है और कॉमर्स सब में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कैपिटल अकाउंट के कितने टाइप्स होते हैं और वो कैसे बनाया जाता है। देखिए, कैपिटल अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं वो दो मेथड से बनाया जाता है। फर्स्ट इज पहला मेथड है फ्लक्चुएटिंग मेथड। दूसरा मेथड होता है फिक्स मेथड। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड से आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जाता है और वो है कैपिटल अकाउंट। और फिक्स मेथड से अगर हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो इसमें दो अकाउंट बनाया जाता है। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट दो मेथड से बनाया जा सकता है, फ्लक्चुएटिंग मेथड एंड फिक्स मेथड। अगर हम लोग फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो इसमें एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है और वो है कैपिटल अकाउंट। अगर हम लोग फिक्स मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाना चाहते हैं तो इसमें दो अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ये इसका मेथड है, इसको हम लोग टाइप्स भी बोल सकते हैं। अब जैसे इस मेथड से हम लोगों को कैपिटल अकाउंट बनाना है तो कैसे बनाएंगे। कुछ इस तरह की लाइंस आपको ड्रॉ करनी है। ये कैपिटल अकाउंट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कैपिटल अकाउंट पार्टनरशिप चैप्टर्स है। पार्टनरशिप में जैसे हम लोग जानते हैं कि कम से कम दो पर्सन होते हैं, दो पार्टनर्स होते हैं, मिनिमम टू एंड मैक्सिमम 50। दो पार्टनर्स होते हैं इसलिए हम लोगों ने दोनों पार्टनर के लिए अलग अलग कॉलम ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले अगर ये बिजनेस पहले से चलता हुआ आ रहा है तो पार्टनर्स का कैपिटल इसमें पहले से लगा हुआ होगा तो उसको हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। अगर ये कैपिटल पहले से लगा हुआ होगा तो बाय बैलेंस बीडी लिखना है और जो अमाउंट दिया हुआ रहेगा उसको इस कॉलम में लिख देना है, अलग अलग अमाउंट अलग अलग पार्टनर्स के लिए। कभी कभी बैलेंस कैपिटल बैलेंस हमेशा क्रेडिट में होता है लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो डेबिट में दिया होता है, तो अगर डेबिट में बैलेंस दिया होगा तो हम लोग फिर यहां डेबिट के साइड लिख देंगे टू बैलेंस बीडी और जो अमाउंट दिया होगा उसका अमाउंट लिख देना है। ठीक है, लेकिन आपको ज्यादा क्वेश्चंस में क्रेडिट साइड का ही मिलता है, डेबिट साइड बहुत कम मिलता है। इसके बाद
जो भी प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हम लोग पार्टनर्स को करते हैं, तो वो यहां दिखाना है क्रेडिट के साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है ये इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है अगर प्रॉफिट हो रहा है उस केस में हम लोग इधर लिखते हैं क्रेडिट के साइड में, ये प्रॉफिट के केस में, और अगर बिजनेस में लॉस हो गया नेट लॉस तो उसको डेबिट के साइड लिखा जाता है टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन केस ऑफ लॉस। देन जो भी पार्टनर बिजनेस में पैसा अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो उनको बदले में इंटरेस्ट मिलता है, तो वो इंटरेस्ट हम लोग यहां लिख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जिस पार्टनर पे जितना इंटरेस्ट निकल रहा है वो कैलकुलेट करके यहां पर लिख देना है। पार्टनर बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उसी तरह पैसा बिजनेस से ड्रॉ करते हैं निकालते हैं, तो अगर वो ड्रॉ कर रहे हैं तो उसको डेबिट साइड में लिखना है टू टू ड्रॉइंग्स अकाउंट के नाम से हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं ड्रॉइंग्स होता है तब। उसी तरह जो पार्टनर ड्रॉइंग करते हैं तो उनसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, तो वो इंटरेस्ट हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। कोई भी वर्किंग पार्टनर भी होते हैं मतलब वो बिजनेस में एज अ पार्टनर भी हैं और एज अ एम्प्लॉय भी बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो उस केस में क्या करते हैं पार्टनर्स को सैलरी भी दिया जाता है। अगर पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं तो इधर क्रेडिट के साइड में लिख देना है। पार्टनर्स को सैलरी मिलता है, कभी कभी रेमुनरेशन मिलता है, कभी कभी कमीशन मिलता है, तो क्वेश्चन में जो कुछ भी लिखा रहा है आपको इधर क्रेडिट साइड में डाल देना है। ये सब एंट्री करने के बाद इसको हम लोग बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करेंगे तो हमेशा बैलेंस बीडी के ऑपोजिट बैलेंस सीडी आता है, तो अगर बैलेंस बीडी आपका डेबिट साइड है तो क्रेडिट साइड सॉरी क्रेडिट साइड है तो ये डेबिट साइड में आपका बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस बचेगा बैलेंस सीडी, ये टोटल सबको ऐड कर देना है आपको। ऐड करके यहां लिखना है उसी अमाउंट को इस साइड भी लिखना है और फिर ये सबको ऐड करके इससे माइनस कर देना है दोनों को अलग अलग, और ये हो जाएगा टू बैलेंस सीडी। तो ये है फॉर्मेट कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड से। फ्लक्चुएटिंग मेथड से आपका कैपिटल अकाउंट इस तरह से बनाया जाता है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब इसमें देखिए ये हो गया फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स मेथड से क्या करना है आपको दो अकाउंट बनाना है कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट दोनों बनाना है, तो इसमें क्या करेंगे
जो ये ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस बीडी, ये चला जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट में, और इसको छोड़कर बाकी जो चीज भी बचा वो सारा कुछ चला जाएगा आपका करंट अकाउंट में। और फिर जैसे बैलेंस करते हैं उसी तरह बैलेंस कर देना है। तो इस तरह से बनाता है फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल अकाउंट और फिक्स मेथड से ये दोनों, ठीक है। ये फॉर्मेट एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। थैंक यू।